तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। आज बात करने फिर आए हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा सीआरपीएफ पैरामेडिकल का रिजल्ट जारी हो गया। बहुत से बच्चों ने रिजल्ट नहीं देखा है, बहुत से बच्चों का डाउट है कि सर मेरा रोल नंबर सही है, नाम गलत है। नाम सही है सर, मेरा ही नाम है, लेकिन रोल नंबर गलत है, क्या इसके लिए अलग रोल नंबर जारी किया गया है? लेकिन बता दूं दोस्तों, इसके लिए कोई अलग से रोल नंबर जारी नहीं किया गया है। जो भी आपका रोल नंबर था जब आपने एग्जाम दिया था, उसी एग्जाम के रोल नंबर के हिसाब से आप लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है। अब उसमें डाउट में है बच्चे के, सर मेरा नाम है लेकिन रोल नंबर गलत है, तो उनका कब पता चलेगा? जब आपका एडमिट कार्ड आने वाला होगा, जिस दिन से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, उस दिन पता चल जाएगा कि ये वाकई में आप ही का नाम है, रोल नंबर गलत है, या रोल नंबर सही है, नाम गलत है। तो जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 15-16 तारीख तक, तब उस दिन आपको कंफर्म पता चल जाएगा। कैसे चेक करेंगे, अब जिस दिन हम लाइव आएंगे उस दिन बात करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे बात करेंगे कि जिनका गलत है वो क्या करेंगे। बहुत से बच्चे का और भी कमेंट आ रहा है कि सर आगे क्या होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, अभी तो रिजल्ट आ गया, आगे की प्रक्रिया क्या होगी? तो आगे की प्रक्रिया आपको हमने बता दिया है। 21 तारीख से आपका स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल और री मेडिकल होने वाला है। 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ना कि 21 तारीख को ही होने वाला है, 21 तारीख से आपका स्टार्टिंग है। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो कुछ बच्चों का 21 को होगा, किसी का 22 को होगा, किसी का 25 को होगा। अब कितने दिन में ये कंप्लीट कराया जाएगा, कितने सेंटर बनाए गए हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ है। फिलहाल अभी मान के चलिए जो भी आपके सेंटर पे एग्जाम वगैरह हुए थे जीसी वगैरह में, वही आपके टेस्ट वगैरह कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए आप बात कर लेते हैं आपका जो ट्रेड टेस्ट होने वाला था उसमें क्या कराए जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, तो उसी टॉपिक वाली बात कर रहे हैं। देखिए आपका सीआरपीएफ ट्रेडमेंट का जो रिजल्ट तो जारी हो गया है। चलिए अब बात करेंगे, देखिए आपका टोटल जो ट्रेड का टेस्ट है टोटल 20 अंक का होने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने रिटर्न वगैरह जो भी दिया होगा, एक शिफ्ट में दो शिफ्ट में दिया होगा, एक पेपर दो पेपर करके, लेकिन आपका जो ट्रेड है ये आपको 20 अंक का सिर्फ ट्रेड टेस्ट होना है। अब ट्रेड टेस्ट में आपको क्या क्या होने वाला है, अब देखिए आपके औजार और उपकरण के हैंडलिंग यानी प्रैक्टिकल, ठीक है ना, हैंडलिंग यानी प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। सभी ट्रेड से संबंधित व्यवहारिक परीक्षण यानी वही आपको जिस भी ट्रेड के लिए है उससे आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। अब प्रैक्टिकल का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे अगर आपने कुक के लिए अप्लाई किया है तो कुक से रिलेटेड आपसे वो कार्य कराए जाएंगे। कोई भी एक काम कराया जा सकता है, दो काम कराया जाएगा, उस पर हम सीरीज वाइज वीडियो बनाएंगे। हालांकि समय कम है आप लोगों से, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना शॉर्ट में हो सके आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करा दूं, इसलिए हमने ट्रेड का जो वीडियो डाला है वो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे। ठीक है, तो जो भी ट्रेड है आपसे संबंधित उसका हैंडलिंग कराया जाएगा और उपकरण के बारे में आपसे जो भी नॉलेज वगैरह है उस सामान के बारे में पूछ लिया जाएगा। यानी जो भी है ये प्रैक्टिकल के लिए है, पूछने के लिए तो है अभी, वो प्रैक्टिकल के लिए है। टोटल 10 अंक का है, ठीक है ना, 10 अंक का, देख रहे हैं ना दोस्तों, टोटल आपके 10 अंक का है। अब उसमें जहां आपका एग्जाम होता है, जो एग्जामिनर बैठा है, अब 10 में आपको कितना अंक देता है, आप 10/2 दे रहा है, 10/5 दे रहा है, वो अलग अलग मैटर करता है, वो एग्जामिनर आपको कितना अंक देता है। फर्स्ट क्लियर हो गया आपका। अब सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं, उपकरण के बारे में ज्ञान 5 अंक का, टोटल 20 अंक का है, 10 अंक का आपका हो गया, अब 5 नंबर का आपके उपकरण के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप सफाई कर्मचारी हैं, कुक के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, वाटर कैरियर के लिए किया है, वाशरमैन के लिए किया है, तो अगर आप सफाई कर्मचारी हैं तो उसके उपकरण के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपके झाड़ू बनने क्या है, झाड़ू किस चीज का बना होता है, अगर सफाई हम टॉयलेट वगैरह करते हैं तो क्या पहनते हैं, जो मुंह में लगाते हैं उसको मास्क कहते हैं, ग्लोव्स क्या होता है, कौन से फिनाइल किसके उपयोग किया जाता है, कितना मात्रा में किया जाता है,
या से यानी पूछे जाएंगे उपके जो उपकरण है, ब्रश है, आपको दो चार ब्रश दिखाए जाएंगे। अब जो झोल झाल मारने वाला ब्रश होगा उसको पूछ देगा आपको इससे क्या कहते हैं, जो टॉयलेट क्लीनर है वो ब्रश दिखाएगा, आपसे नहीं बोलेगा आप करो, बोलेगा एक ब्रश किस काम में आता है, यानी उसके बारे में आपको टोटली नॉलेज होना चाहिए। कुक के लिए है तो कुक के लिए भी आपको जो भी उपकरण लगते हैं, गैस वगैरह, जो भी चाकू नाइफ छलनी पलटा बर्तन हांडे फोंडे, यानी उस उपकरण के बारे में आपके यूज में जो आने वाले सामान है उसके बारे में पूछे जाएंगे, टोटल 5 अंक का, ठीक है। अब फिर उसमें एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने अंक देता है। सपोर्ट डेट मान के चलिए आपको कुक आपको फर्स्ट बार आपको प्रैक्टिकल कराया गया सफाई कर्मचारी का, 10 अंक का आपका था और उसमें से आपको 4 नंबर एग्जामिनर दे दिया, ठीक है, 10 में आपको 4 नंबर मिल गया है। जब आप उसका उपकरण के बारे में गए 5 अंक खर्चा था, उसमें से आपको एग्जामिनर 5 में से आपको कितना दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है, टोटल आपके बन जा रहे हैं 6, ठीक है ना, 6 अंक आपके आ गए। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आ जाते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र, जिसको हम बार बार आप लोगों से जब से वैकेंसी का एग्जाम का डेट आया था तब से हम आपको बोल रहे हैं कि इसका जो भी आपको है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा बैक डेट में, साल भर होने वाला है क्योंकि 2020 की भर्ती थी, आप लोगों ने जो बनवा लिया है अच्छी बात है, जो नहीं बनवाया है आपको इसमें होने वाला है अब नुकसान। जो बनवा लिए होंगे उनको देखिए अनुभव सर्टिफिकेट का कितना अंक है, 5 अंक है, 5 नंबर आपको अनुभव सर्टिफिकेट का है। अब देखिए जिसका जिन बच्चों का 1 साल का है, ठीक है, 1, 2 साल का है 2, 3 का है तो 3, 4 का है तो 4 और 5 का है तो 5 अंक दिए आपको जाएंगे। अब आपके पास 2 अंक का हो या 3 अंक का, 3 साल का हो, अगर आपके ने 3 साल का बनवा दिया है तो इसमें 3 अंक जुड़ जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 9 अंक। टोटल कितना था आपका, 20 अंक का। अब आपका स्कोर हो गया 20 × 9, ठीक है ना, तो 20 अंक का आपका एग्जाम था जिसमें आपको 9 अंक प्राप्त हो गए, ठीक है, अनुभव सर्टिफिकेट से। अब बात कर लेते हैं कि आप देखिए इंस्पेक्टर से लेके हवलदार तक, यानी हवलदार से बोल सकते हैं हवलदार से लेके इंस्पेक्टर तक, हवलदार, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर, अगर इस पोस्ट के लिए है नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह जो भी है, ठीक है ना, उसके लिए है तो वो जर्नल के है, ईडब्ल्यूएस के है और एक्समैन के है, अगर ठीक है ना एक्समैन के है तो उनको 10 अंक चाहिए 20 में, 20 में कितना अंक चाहिए, 10 अंक। अब इसमें क्या हो जाएगा, 10 अंक चाहिए और उनको मिला अंक 9 अंक, तो ये क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगर वो ओबीसी कैंडिडेट है, एससी एसटी है और उसको 9 अंक मिले हैं तो वो हो जाएगा आपको पास, ठीक, मान लिए। अब वही आपका अगर ट्रेडमैन में आ जाते हैं कांस्टेबल के लिए तो जनरल ईडब्ल्यूएस एक्समैन के लिए 8 ही अंक चाहिए और आपको कितने मिले हैं, 9 अंक और 8 चाहिए, आप पास हो गए। अगर सपोर्ट डेट आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 साल का ही है या 2 साल का है तो अगर 2 साल का है इसमें आपने 6 लाया है, 2 साल का है तो आपके 8 हो रहे हैं तो भी पास हो गए, 1 साल का है तो आपके 7 हो रहे हैं तो अगर 7 नंबर हो रहे हैं और ओबीसी एससी एसटी के हैं तो 20 में आपको 7 नंबर चाहिए, आप भी पास हो जाएंगे, ठीक है ना, 7 नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, यानी 20 अंक का टोटल है जिसमें से आपका प्रैक्टिकल 10 अंक का और हैंडलिंग जो उपकरण है उसके बारे में जानकारी 15 अंक के हो गए। और आपके अगर अनुभव सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस दोनों में से आप कोशिश कर सकते हैं कि 7 नंबर हम लेके आ जाए तो आप
ओबीसी एसटी के लिए और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है तो 8 नंबर लाना पड़ेगा 15 में, यानी 50% आपको लाना पड़ेगा। ये जो अनुभव अंक प्रमाण पत्र है ये आपको गिफ्ट के तौर पे मिल सकता है, जब आपके पास अगर रहेगा तो आपको ये सिलेक्शन दिलाने में बहुत मदद कर सकता है। ठीक है, ये आप क्लियर हो गया। और इसमें क्या है कि सिर्फ आपको पास मार्क चाहिए, ना कि आपका इस अंग, ना ही आपका मेरिट में जुटने वाला है और ना ही आपसे इसका मेरिट बनने वाला है, सिर्फ आपको क्वालिफाइड नेचर का है, सिर्फ पास कर जाना है। अब बात कर लेते हैं, अब देखिए जिन, ठीक है, नंबर एक पे अंक ज्यादा किसके लिए है, अगर सपोर्टेड, ठीक है, जर्नल का हूं मैं, मेरा 90 नंबर है, चलिए 90 नहीं, बहुत बोलेंगे 90 सर बहुत, आप मान चलिए जर्नल है आपके 60 नंबर है, आप पास हो गए, रवि पास हो गया, 60 नंबर है, ठीक है, ठीक है, आकाश पास हो गया, ठीक है। अब दोनों का सेम नंबर है, मेरिट अगर 10 सीट है और 11 वैकेंसी हो रही है, अब एक बच्चे को इसमें से निकालना है, 60 वाले का निकालना है, बाकी का तो 61 है, 62 है, इनका तो है ही, आपका 60 है, आपको निकालना है। अब इसमें से कौन पहले बच्चा को बाहर किया जाएगा, देखिए एक तो पहले अंक जिसका ज्यादा रहेगा वो सेफ है, ठीक है, ठीक है, दूसरा, दूसरा छोड़ दीजिए, अंक अगर बराबर है, ठीक है ना, आपका अंक बराबर है तो ए और बी अंक, ठीक है ना, ठीक है, जिसमें कंपेयर किया जाएगा सेम अंक है, उसके बाद आपका इसमें डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ 90 है और इसका आपको डेट ऑफ बर्थ 89 है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाएगी जिसका ज्यादा है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मुझे नहीं दी जाएगी, इसको दी जाएगी। अब इसमें से आपको अल्फाबेट देखा जाएगा, अब देखिए अल्फाबेट में पहले इसका फर्स्ट लेटर ए से है तो इसी का दी जाएगी, यानी सिलेक्शन मेरा नहीं होगा, ए का आकाश का सिलेक्शन हो जाएगा 60 अंक पे, ठीक है। और ओबीसी एससी एसटी है तो इसका इसमें मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। बाकी एक यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि अगर आप ट्रेड के लिए अगर जा रहे हैं तो कितने अंक लाने होंगे जिससे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन आपका इसके आधार पर नहीं बनेगा, आपका सिलेक्शन रिटर्न के आधार पर बनेगा, जो मार्क्स पे आपका शॉर्टलिस्ट किया गया है, इसमें सिर्फ आपको पास होना है और जो बच्चे पास होंगे वही आगे मेडिकल के लिए क्वालिफाइड होंगे, बाकी बच्चे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था, अगर इसमें भी अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।